तो आरिफ भाई, मैं आज आरिफ भाई के साथ ही आया हूँ। वैसे मेरा आने का कोई इरादा नहीं था ज्यादा, लेकिन आरिफ भाई ने जो है बहुत ज्यादा फोर्स किया। इतना तो कोई किसी लड़की को भी नहीं करता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आई होप यू गाइस आर वेल। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड की शादी में, तो मैं अपने फ्रेंड के लेने आया। तो अभी मैं आया हूँ अपने फ्रेंड को लेने, तो उसके घर में मैं खड़ा हूँ। तो वो भी मतलब एक यूट्यूबर, अभी छोटा है, तो मैं आपको उसका स्टूडियो दिखाता हूँ जो उसने बनाया है। तो ये उसका कुछ छोटा सा स्टूडियो है, तो साथ में काम करते हैं हम दोनों। तो अभी हम जा रहे हैं, रास्ते में हैं, और पीछे बैठे हैं हमारे दोस्त, स्मार्ट लग रहा है। ये बॉय अच्छी। शादी में अब जो है फोटो शूट का सेशन स्टार्ट हो चुका है, और मेरे दोस्त आ रही और पब्लिक जो है खाने के लिए आ चुकी है, और खाना भी स्टार्ट नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग जो इकट्ठा हो चुके हैं, और मैं खुद उन्हीं की लिस्ट में शामिल हूँ। तो ये मेरा फ्रेंड मिल गया बहुत दिनों के बाद मुझे, रजत भाई। कटिंग मेरे जैसी यार। ले, 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 सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती। आरिफ साथ में आई मेरे। अब अंदर आ चुके हैं हम इसके, तो अभी खाना स्टार्ट नहीं हुआ है। भूख तो बड़ी तेजी से लगी हुई है, लेकिन क्या करें, निशान भाई की परमिशन लेनी पड़ेगी अभी। तो आरिफ भाई, मैं आज आरिफ भाई के साथ ही आया हूँ। वैसे मेरा आने का कोई इरादा नहीं था ज्यादा, लेकिन आरिफ भाई ने जो है बहुत ज्यादा फोर्स किया। इतना तो कोई किसी लड़की को भी नहीं करता है। तो हमने आज शुरुआत किया गुलाब जामुन से, और आरिफ भाई जो है काफी खुश है, लग रहा है कि इन्हीं की शादी है। लेकिन आरिफ भाई, ले ले ले, सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है। तो हमने स्टार्ट किया है अपना मीठे से, पहले गुलाब जामुन। और आरिफ भाई, मिठाई ने बहुत पसंद है, क्योंकि शादी मेरे ख्याल से बात तो ये है दूल्हा और दुल्हन। सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो उस रात जो है मैं शादी से आ गया था, उसके बाद जो है व्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाया था किसी कारण से, क्योंकि उसके बाद टाइम ही नहीं लगा। टाइम इतना ज़्यादा मतलब नहीं लग पाता है, काम वगैरह भी करता हूँ ना। तो अभी मैं साइट पर था, तो यहाँ पर जो है एक जगह हलीम बिरयानी बनती है बड़ी अच्छी, तो मैं उसे जा रहा हूँ खाने के लिए। टेस्ट करता हूँ जाके, और आपको जो है दिखाता हूँ कैसे बनती है। मतलब बड़ी मस्त बनाता है, उसे देख के मन करता है कि आप भी दो चार प्लेट खाता है। तो दिखाता हूँ मैं आपको वहाँ पर अभी कैसे बनाता है वो। तो ये है वो बिरयानी जिसकी मैं बात कर रहा था। तो देखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और साथ में जो इसका टेस्ट आता है ना, वो भी बड़ा अच्छा आता है। क्योंकि ये जो बिरयानी है, इसके जो मसाले हैं ना, वो बड़े अच्छे मतलब मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो इस वजह से इसका जो टेस्ट आता है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी मैं खड़ा हूँ आइस पीटे के पास में, मेरे फादर हैं, उन्हें आने वाले हैं, उनका वेट कर रहा हूँ। आइस पीटे मतलब बहुत भीड़ है, क्राउड काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पर रात का समय। वाह भाई वाह, पॉपकॉर्न वाले फिर तो मज़े हैं। तो ये तो ठंडी नहीं लगती होगी, जब भी जरा मन करो पॉपकॉर्न खा लेता होगा। तो मेरे फादर मतलब उन्होंने मुझे रोक रखा है, तो काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ, मतलब मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। उन्होंने बोला था कि मैं बल्लू कोट चौक के पास बस में हूँ अभी, तो देखते हैं किस टाइम तक आते हैं फादर हमारे। 2 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, और मेरे फादर जो है मुझे बोल के आए स्वीटी के पास, अब तो पहुँच ही नहीं है। मेरे
फादर जो है वो आगे पहुंच चुके हैं मुझे बोल के, तो मैं जा रहा हूँ उनके पास ही, पैदल पैदल आगे पहुंच चुके हैं वो, रहे खड़े सामने। कहाँ रह गए थे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। माइल चेक था, खत्म हो गया था, उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ घर। तो आज का व्लॉग यार यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में।